गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई नई वीडियो। तो अभी बजे हैं 10 और मैं सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब शेड्यूल करके रखता हूँ। और 2 घंटे के बाद मैं हमेशा उठ के सबसे पहले एनालिटिक्स चेक करता हूँ कि 2 घंटे में क्या रिपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार टाइम चेंज करना चाहिए, मुझे 8 बजे की जगह पे 10 बजे शेड्यूल करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? और आजकल देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं सबके सब राइड मार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी पहली राइड बहुत जल्द प्लान करनी चाहिए। इस बारे में हम ज़रूर सोचेंगे, राइड के बारे में। गुड मॉर्निंग पुत्र। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मज़ेदार मौसम है बाहर। क्या बोलते हैं रमेश, निकल चले क्या फिर से आज कहीं पर? ये मौसम फिर दोबारा नहीं आने वाला है, आएगा भी तो अगले साल। मैं जाता हूँ तो बोलती है अभी सर्दी हो जाती तो। सर्दी हो जाती तो वो तो खैर हर माँ बोलती है। तो जस्ट अभी नहा धोकर के मैं रेडी हुआ हूँ, लेकिन एक चीज़ भूल गया, ब्रश करना। ऐसा अक्सर मेरे साथ हो चुका है, तो अभी मैं पहले ब्रश करके आता हूँ, उसके बाद ही कुछ काम होगा। तो भूला हुआ काम तो हो गया, एक काम और बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो है ये कर्टेन चेंज करना। ज़रा भी अच्छा नहीं लगता ये वीडियो मैंने देखा है, तो एक बढ़िया सा कर्टेन ऑर्डर करता हूँ अमेज़ॉन से। और एक इम्पॉर्टेंट काम और भी है कि मेरे बर्थडे वाले दिन एक मेरे फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा एक जगह चुना है, तो उसका भी बर्थडे 21 तारीख को आता है, 21 जून को, और मेरा 27th को। तो दोनों जन का मिला करके हम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे यहीं गुराई में। तो पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। तो आज मैंने एस्पिरेंट के 5वें एपिसोड ख़त्म कर दिए। अब मैं जा रहा हूँ वो पौधा लाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ पेंडिंग है। तो जाने से पहले आज एस्पिरेंट के एक लास्ट एपिसोड में एक लाइन बोली गई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कुंवर नारायण जी की किताब से ली गई थी, जिस किताब का नाम है अपने सामने। उसमें एक कविता है अंतिम ऊंचाई, आखिरी लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था सिर्फ हमारे चाहने पर। भाभी से बात कर रही हूँ, 4 साल बाद तो बात कर रही हूँ। बिना तुम्हारे मेरा वीडियो कैसे बना? अरे रे, मैं जा रही हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट करने, ब्लॉग्स बाई ब्लॉग्स विद सुरभि। आप ब्लॉग चैनल चालू करने जाते हैं? देख रहे हो फोन पे बात कर रही है, कब से मैं बुला रहा हूँ। नहीं, चार साल में तो आज मेरा मन हो रहा है कि मैं चाय बनाऊं, तो जब मन हो रहा है तो मन को क्यों मारूं, चलो बना ही लेते हैं ना भाई। तो घर वाले एकदम खुश हो जाएंगे, अरे वाह आज अब मैं सबको चाय बना के पिला रहा हूं। ये सीन देखने के बाद जिन जिन लोगों को चाय की तलब लगी है तो भाई डेफिनेटली बनाइए, पीजिए। बहुत लोग तो चाय पीते पीते इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग जो है सुबह देखते हैं और कुछ लोग शाम को देखते हैं। तो आप जब भी देख रहे हो तलब लगी जाके पी लो यार, चाय के लिए कभी ना नहीं बोलते। मीरा, सुरभि का, भाभी का, भैया। अपने मौसम क्या तारीफ करें, अब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कल तो दोपहर को इस टाइम पे एकदम धमाल मच रहा था। सुरभि कह रही है कि बस बहुत हो गया, अब कोई बर्थडे नहीं करना, हम लोग थक गए हैं। जून ऐसा महीना है कि इस महीने 2 बर्थडे आता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों? मेरा गंदा शक्ल ले रहे हो, ये देखो मुझे क्या मिला, स्लम में भी आया ना ये क्या है? अरे यार ऐसा कैसे रिकॉर्ड किया है मेरा? एक्चुअली आज सुरभि की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसीलिए इसका चेहरा उतरा हुआ है, ज़्यादा खिलखिला नहीं रही है। नासाज, अरे नमिश रेडी हो जाओ जल्दी से। सुरभि से
पहले ये थी सन्नी की जिंदगी में। ये वक्त है, ये जोधा अकबर कर रहा था मैं तभी मैं सोच रही इसको देखा देखा सा लग रहा है। ये देखो ये कौन है सन्नी के पास, पिल्लू नमीश। पिल्लू नमीश कितने प्यारे फोटो, इतना पुराना। ऐसे सोता था सन्नी के पेट पे सोता था। आ, देखो 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 नमीश आ रहा है। अच्छा एकदम छोटू सा है। हाँ। चूहा जैसा। अब बाल देखो वही बोल रही इनका सकल चूहा तो नहीं था एकदम चूहा जैसा ऐसे लेटर पेट देखो। तो तुम रेडी हो रहे थे ना? हो गया हो गया। दिखता 6 है। अरे यार ये कहां चला गया, अभी तो 7 दिख रहा था ना। 7 पे डायरेक्ट 0 उसके बाद। हम जा रहे हैं पौधा लेने, पौधा। और अगर कहीं और अगर बारिश होने लगी तो भीग भीग के अच्छा लगेगा। अच्छा चाची ने वन दबा दी थी एक बार। वन दबाओ तो जीपे जाकर रुकती है। नहीं वन दबाई चाची तो वन दे रुकती है। और हमारे उधर वाला लिफ्ट अभी भी खराब है, सातवें फ्लोर पर रुकता ही नहीं है। अभी से बारिश शुरू हो गई क्या? क्या हमको जाना चाहिए? चले चलो फिर आप कहते हो तो। यही व्लॉग में दिखाऊं कि बंद करके जाऊं? यही व्लॉग में दिखाऊं? क्या जस्ट हम लोग बिल्डिंग से निकले हैं। अच्छा सामने तो सब बाइक खड़ी रहेगी क्योंकि बिल्डिंग है। बाहर निकल के तब दिखाता हूँ। तब तक जब तक हम लोग बाहर निकल रहे तब तक आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। चाचू मैंने जो बोला वो बहुत हार्ड पड़ जाना है मेरे ख्याल से। पहले ये वीडियो अपलोड करोगे उसके बाद फिर पौधा लगाएंगे वो वीडियो अपलोड करेंगे है ना। फूल वाला कौन कौन सा है तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा। जो लोग फूल पत्ती पौधे इन सब में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे उनको पता होगा, हम तो सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं। वाइट वाला देखो ना कितना अच्छा लग रहा है ना। वाइट वाला अच्छा है ना। हाँ खुशबू तो बड़ी अच्छी है। आपको पहुँचते ही हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। पीछे मिट्टी लगी रहती है। मोदिका मोदिका लग रहा हूँ क्या जोकर? अभी मैं जा रहा हूँ जिम और सुरभि कह रही है कि जो है पेट तो अंदर जा ही नहीं रहा है, जिम जाने से क्या फ़ायदा है। देखो पेट तब अंदर जाएगा या फिर एब्स आपके तब आएंगे जब आप रोटी चावल ये सब बंद करोगे तो। और हमारे घर में तो मुझे दो दो औरतों का प्यार मिलता है, सारा प्यार यहीं पर दिखाई दे रहा है। ऐसे मैसेज आज हम नया मोजा पहनेंगे। कौन सा पहनूँ, ब्लैक पहनूँ वाइट पहनूँ कि ग्रे? पहना है ब्लैक तो ब्लैक ही पहना, ग्रे पहनो मैचिंग। देखो मेरे बैग में क्या क्या होता है। ये देखो शूज़ का सेक्शन है जो कि पीछे की तरफ से खुलेगा। बाकी एक बॉटल, ये एक्चुअली मेरा जिम में छूट गया था, ये जिम में मेरा छूट गया था तो इसीलिए मैंने एक बॉटल और रखा था, ये मसल्स जैसा। और उसके बाद ये लिफ्ट करने का ये बैंड नैपकिन के बाद डीओ आपके वर्कआउट के लिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोगों की दुआ चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। और मैं अब लाऊँ मस्त हूँ। अब आपसे कल ही मुलाकात होगी, कल सुबह 8 बजे। अगर यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक करके जाइएगा और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। और नए हैं तो नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको मेरे साथ मेरे पूरे यूट्यूब की जर्नी में। जो भी आप डेली ब्लॉग देखोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो ज़रा भी कंजूसी मत कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके चलो मिलते हैं कल 8 बजे। बाय।